तो जम्मू कश्मीर में सरकार की जानिब से नाफिज की गई पाबंदियों के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक हफ्ते के भीतर पाबंदियों को लेकर जारी ऑर्डर्स का जायजा लिया जाना चाहिए। जी हां, ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर में सरकार की जानिब से नाफिज की गई पाबंदियों के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और अपने फैसले में उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते के भीतर पाबंदियों के ऑर्डर्स का जायजा लिया जाना चाहिए, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और जो याचिकाएं लगाई गई थीं, जो अर्जियां दाखिल की गई थीं, उस पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक हफ्ते के भीतर पाबंदियों को लेकर जारी ऑर्डर्स का जायजा लिया जाना चाहिए। आपको बता दें, कई तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद पाबंदियां नाफिज की गई थीं, उसको लेकर के याचिका लगाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नाफिज पाबंदियों के जायजे के लिए कमेटी बनेगी जो वक्त वक्त पर नाफिज पाबंदी का जायजा लेगी। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट बैन और दफा 144 तभी लगाया जा सकता है जब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। साथ ही कोर्ट ने मरकजी सरकार से कहा कि लंबे वक्त तक इंटरनेट पर पाबंदी और दफा 144 लगाया जाना सरकार की ताकत का नाजायज इस्तेमाल करने जैसा है। कोर्ट ने सरकार को वादी को लेकर जारी किए गए सभी ऑर्डर को मंजरे आम पर लाने की हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी 7 दिन के भीतर इंटरनेट बैन और दफा 144 का जायजा लें। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 के तहत लोगों को इंटरनेट की आजादी का हक है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी अर्जी दी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद मुतमईन नजर आए। आखिरी उम्मीद जो थी वो जम्मू कश्मीर के अवाम को सुप्रीम कोर्ट में थी। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस बेंच ने न सिर्फ लाखों बल्कि 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के अवाम के मुताबिक निर्णय दिया है और सरकार को 3-4 चीज़ें बताई हैं जो हर व्यक्ति के दिल में थी। वो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल पल्स फील कर गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, नब्ज एक पहले कहा है जिसे मैं पॉलिटिकल तरीके से देखता हूं और सुप्रीम कोर्ट समझ गई है, ये कहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता। असली इंटरनेट बंद करने का मतलब है और लीडरों को बंद करने का मतलब है कि कोई केंद्रीय सरकार के खिलाफ न बोले, और ये नब्ज ये पल सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। आइए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें क्या हैं। इंटरनेट बुनियादी हुकूक है, जहां जरूरत हो वहां खिदमात बहाल हो। इंटरनेट बंद करना जुडिशियल रिव्यू के दायरे में है। J&K में नाफिज सभी पाबंदियों का एक हफ्ते में जायजा लिया जाए। इंटरनेट पर पाबंदी गैर मुयना मुद्दत के लिए नहीं हो सकती। आजादी और हिफाजत में बैलेंस जरूरी है। शहरियों की बुनियादी आजादी में मनमानी न हो। ई बैंकिंग सरकारी वेबसाइट पर पाबंदियों का जायजा लिया जाए। सरकार J&K में पाबंदी से जुड़े फैसले मंजरे आम करे। वहीं BJP के संबित पात्रा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में एक गोली भी चलाने की नौबत नहीं आई। सरकार को बधाई देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के पश्चात बहुत प्रोवोकेशन होने के बावजूद भी एक शांति का माहौल पूरे देश में और खास करके जम्मू कश्मीर में बना रहा, जिस प्रकार एक भी गोली नहीं चली, कोई जान नहीं गई, कोई हताहत नहीं हुआ, ये अपने आप में द गवर्नमेंट हैज फेस्ड अ ह्यूज चैलेंज सक्सेसफुली। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और खास करके जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करते हैं। वाज़ह रहे कि सरकार की जानिब से लगातार कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात आम हैं और ज्यादातर पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं।
धीरे धीरे करके नजरबंद लीडरान को भी छोड़ा जा रहा है। वहीं इंटरनेट खिदमात बहाल किए जाने को लेकर वादी से भी स्टूडेंट समेत तमाम कारोबारी लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख सभी के लिए राहत की खबर लेकर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। आर्टिकल 370 के ज्यादातर रजा खत्म होने के बाद जम्मू और कश्मीर में लगी पाबंदियों को लेकर जुमे को सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने साफ किया कि पाबंदियों के पीछे पुख्ता वजह होना जरूरी है। अब जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक इंटरनेट पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। कोर्ट ने इन पाबंदियों के जायजे का हुक्म देते हुए 7 दिनों का वक्त दिया है। साथ ही कहा कि मुसलसल पाबंदी लगाए रहना ताकत का गलत इस्तेमाल है। और इस मामले को लेकर दिल्ली के हमारे नुमाइंदे शोएब रजा ने वृंदा ग्रोवर से बात की इस मामले को लेकर के। मैम ये बताइए कि जम्मू कश्मीर के जो आवाम है वो इस फैसले को किस तरह से देखे, कितनी राहत उनके लिए है? देखिए वो अभी इमीडिएटली तो कोई राहत उस तरह से प्रैक्टिकल टर्म्स में नहीं है, मगर इन प्रिंसिपल है कि आप किसी की भी फ्रीडम और लिबर्टीज इस तरह नहीं ले सकते। स्टेट को कहा गया है सारे ऑर्डर्स पब्लिश कीजिए 144 लगाते हुए एज वेल एज इंटरनेट बैन। उन ऑर्डर्स को आप विद इन 7 डेज रिव्यू करेंगे और बताएंगे वो ऑर्डर्स टिक सकते हैं कि नहीं, किस स्ट्रेंथ पे द पैरामीटर्स दैट द कोर्ट हैज सेट अप। और अगर फिर भी वो नहीं करते हैं तो वो ऑर्डर्स वहां के लोग चैलेंज कर सकते हैं। 144 को लेकर, क्योंकि दिल्ली में हम देखते हैं कि लगातार 144 लगा दी जाती है तमाम चीजें, कश्मीर में नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी बंद है, इसको लेकर किस क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है? और अगर नेताओं की जो डिटेंशन है उसके ऊपर ये केस नहीं था तो उसके ऊपर कोर्ट ने नहीं बोला 144 को लेकर, मगर वो अलग चीज कारण से डिटेन्ड है, वो तो अलग लॉज पीएसए वगैरह लगा हुआ है उनके ऊपर, तो ये उनका डिटेंशन अलग तरह का है, हाउस अरेस्ट है। तो वो अगर वो नहीं है अरेस्टेड तो 144 का ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है और वो बाहर आ सकते हैं। और इंटरनेट पर भी हम देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पाबंदी लगी है वो भारत में लगी है जी। इसीलिए कोर्ट ने बहुत जरूरी कहा है कि आप इनडेफिनेट सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या बात करने के लिए तो वृंदा ग्रोवर जो बता रही थी कि क्या जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। कैमरामैन अनुज के साथ जिमीडिया के लिए दिल्ली से मैं शिव रसा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट को छोड़कर बाकी सभी पाबंदियां पहले से ही हटाई जा रही हैं। सरकार ने बीच में मोबाइल इंटरनेट भी शुरू किया था लेकिन बहुत अधिक अफवाहें फैलने के कारण ऐसी आशंका थी कि देश दुश्मन ताकतें इंटरनेट और खासकर व्हाट्सएप कॉल जो अक्सर पाकिस्तान के आतंकवादी अलगाववादी जिसका इस्तेमाल करके कश्मीर घाटी के हालात खराब करते हैं, ऐसी आशंकाएं थी कि पाकिस्तान और देश दुश्मन ताकतें अलगाववादी और आतंकवादी इंटरनेट फैसिलिटीज का अधिक उपयोग करके जम्मू कश्मीर के हालात खराब कर सकता है, जम्मू कश्मीर में खून खराबा किया जा सकता है। हमने पहले भी देखा जब हमारी सेनाओं और आतंकवादियों के बीच में एनकाउंटर्स कश्मीर में होते थे, पाकिस्तान द्वारा बनाए गए खास इंटरनेट ग्रुप्स द्वारा मैसेजेस सेंड किए जाते थे और वहां सेनाओं पर सुरक्षा बलों पर पथराव किया जाता था और आतंकवादियों को भगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर श्रीनगर में कारोबारी और स्टूडेंट्स खुश हैं। कोर्ट की तरफ से हमारी भी गवर्नमेंट से ही गुजारिश थी कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल फील्ड में है, इवन हमारा भी, बिकॉज अब देखेंगे कि हमारा तो सारा नेट बेस्ड काम है, 100% नेट के साथ ही कंप्लायंस है, तो हम भी ये चाहते थे कि एक रिव्यू किया जाए। आप तो देख रहे हैं पिछले 5 महीनों में सिक्योरिटी में काफ़ी सुधार है, अगर गवर्नमेंट ये देख रही है तो रियायतें देनी चाहिए और यहाँ यहाँ पे ज़रूरी है नेट की फैसिलिटी रिज्यूम करनी चाहिए फिर से। तो कितना असर पड़ रहा था कश्मीर में का टूरिज्म पे? देखिए हमारा तो काम बिल्कुल बैठा हो, हम कुछ नहीं कर पा रहे, रीज़न बिंग हर चीज़ के लिए हमें नेट की कनेक्टिविटी चाहिए, रिटर्न फाइलिंग हो, GST की हो, इनकम टैक्स की हो, कोई भी काम हो सारा नेट बेस्ड है, तो पिछले 5 महीनों से तो कोई काम हो नहीं रहा। तो हमने भी गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन दी थी और बार बार अभी आपने देखा होगा पीछे CBDT की तरफ से डेट एक्सटेंशन भी हुआ फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ओनली, जो कि 31 जनवरी तक का रखा गया था,
हमने फिर से इनसे अपील की थी कि कम से कम नेट की फैसिलिटी रिज्यूम की जाए कि हम कंप्लायंस कर पाए। इस समय हमारी कोई कंप्लायंस हो नहीं पा रही, हम खुद बड़े परेशान हैं और हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि ये नेट जल्द से जल्द बहाल किया जाए। थैंक यू। थैंक यू जी सर। इस फैसले से पूरा कश्मीर खुश होगा क्योंकि हम अभी कश्मीर जो है पूरा बंद है, हमें किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है और जो फॉर्म्स निकलते हैं वो हमें बंद हैं, हमें जाना पड़ता है TRC, बाकी जगह जाना पड़ता है फॉर्म भरने के लिए, वहाँ लंबी लंबी लाइंस में दिन भर खड़े रहते हैं फिर भी फॉर्म्स नहीं भर पाते। अगर इंटरनेट बहाल होगा हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं अपने फॉर्म्स, हमें पता भी नहीं है वो फॉर्म्स निकलते कब हैं, बाकी चीज़ें न्यूज़ नहीं पता है बाकी वर्ल्ड वाइड में क्या हो रहा है। ये अच्छा फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इंटरनेट बहाल करें। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू से भी रिएक्शंस आए हैं। मैं इंटरनेट की बात करूं, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की बात नहीं है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास जिसने ये सबसे पहले जजमेंट दी थी कि इंटरनेट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, आज की डेट में अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये जजमेंट दे दी है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत आएगा राइट टू इंटरनेट। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इजंट इट ब्रीच ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जब हमें 5 महीने से यहाँ पे नेट से महरूम रखा गया है, तो क्या कहीं ना कहीं ये हमारा फंडामेंटल राइट का मतलब बिल्कुल ही हनन तो नहीं हो रहा, यहाँ तो चुका है। सर वी होप फॉर द बेस्ट कि सरकार नेट खोलने जा रही है तो उससे हम बड़े खुश हैं और इससे हमको बहुत फ़ायदा होगा और मैं भी एमेंड कर रहा हूँ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से और इससे हमें खूब फ़ायदा होगा और काफ़ी देर से हम वेट करते हैं कि किस सरकार का नेट खोलेगी और इससे हम बड़े खुश हैं। सर प्रॉब्लम तो बहुत सारी रही है बच्चों को, चाहे वो स्कूल्स में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, क्योंकि प्रॉब्लम सबको होती है सर, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो अमीर आदमी, चाहे वो कोई भी इंसान हो। सर हमें प्रॉब्लम यही आई थी कि हमारा सिलेबस कम्प्लीट नहीं हो पाया था टाइम पे। 5 महीने से बंद है इंटरनेट, ऑब्वियसली इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली हम लोगों को। हम स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई के उसमें तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि इंटरनेट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी डे टू डे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि जैसे GPS वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, ट्रांजेक्शन वगैरह करने में प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत जगह कार्ड्स वगैरह नहीं चल रहे थे। तो अब अगर इंटरनेट खुल जाएगा तो अच्छा लगेगा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। खुश आमदीद, वेलकम ऑर्डर है, हमें इस बात की उम्मीद भी थी लेकिन मुझे इसमें कुछ नया नहीं लगा है। सरकार पहले से ही बार बार रिव्यू करती रही है और रिव्यू करने का नतीजा है कि आज कुछ हद तक कश्मीर के अंदर इंटरनेट जो है वो रिस्टोर हो चुका है। इससे पहले पूरा कश्मीर कारगिल के अंदर मोबाइल इंटरनेट को रिस्टोर किया गया, उसके बाद हॉस्पिटल्स में ब्रॉडबैंड दिया गया, SMS फैसिलिटीज़ दी गई है हर एक को। धीरे धीरे सरकार इसको रिव्यू कर ही रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद इसको पीरियोडिकल एक हफ्ते के अंदर करना पड़ेगा तो हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक चीज़ को ध्यान में रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी और भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि सिविल लिबर्टीज़, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ज़्यादातर सिविल लिबर्टीज़ के बारे में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डोमेन है नेशनल सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट का डोमेन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार नहीं है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सरकार जिम्मेवार है। इसलिए सरकार ही फैसला करेगी कि किस प्रकार की रियायतें और दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। हाँ, सरकार को जस्टिफाई करना पड़ेगा अगर वो रियायतें नहीं दी जा रही हैं तो क्या कारण है, क्या थ्रेट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी को जिसके कारण ये रियायतें रोकी जा रही हैं। वहीं दो रोजा जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए 16 मुल्कों के सफीर आज जम्मू में पुलिस और इंतजामिया के ऑफिसर्स के साथ मिल रहे थे। इस दौरान सफीरों ने सिविल सोसाइटी के मेंबरान कारोबारियों से भी मुलाकात की और उनसे हालात के बारे में जानकारी ली। सफीरों ने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों और वाल्मीकि तबके के लोगों से भी मुलाकात की जिन्हें सालों बाद Article 370 के खात्मे की वजह से शहरियत मिल रही है। पनागुजीनों और वाल्मीकि तबके के लोगों ने सफीरों को जानकारी दी कि कैसे Article 370 और 35A के खात्मे के बाद इन्हें सालों बाद इंसाफ मिला। मुल्कों के एनवाय से मिलने के लिए जगती माइग्रेंट कैंप जो कि यहाँ पे डिस्प्लेस जो माइग्रेंट हैं हिंदूज हैं जो कश्मीर घाटी से 30 सालों से डिस्प्लेस होके आए हैं वो यहाँ पे जो है उनसे मिलेंगे और यहाँ पे बाहर ही देख लीजिए कि किस तरीके से बैनर्स लगा के पोस्टर्स पकड़ के जो यूथ है वो ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे वो क्यों खड़े हैं और कितने सालों से यहाँ पे हैं। आप एनवाय से मिलेंगे, क्या कहेंगे, अपनी क्या बातें उनसे बताएंगे? सर मेरा नाम रविंद्र कोल है। हम जो ये इंटरनेशनल फिगर्स जो आते हैं
इनको ये समझाना चाहते हैं कि इंडिया में आजकल फ्री कश्मीर का बड़ा एक नैरेटिव चल रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडित असली सफरर है। 1990 में जो इस्लामिक टेररिज्म कश्मीर में हुआ, जहाद जिसको ये बोलते थे, उसमें क्या क्या नारे लगते थे, क्या क्या बोलते थे ये, तो उनको ये कन्वे करना चाहते हैं कि भाई कश्मीर को एक फ्रीडम चाहिए इस्लामिक टेररिज्म से, वो एक शांति का वातावरण बन जाएगा, कश्मीरी पंडित अपने घरों में जाएंगे। सो ये ज़रूरी है कि जो इस्लामिक टेररिज्म वहां पे अभी भी 30 साल से स्टैंड कर रहा है, उसका ISI जिम्मेवार हो, उसका JKL जिम्मेवार, कोई भी जिम्मेवार हो, तो उससे ये खाली होना चाहिए इस्लामिक टेररिज्म से। वो ऋषियों की और मुनियों की धरती है, उसमें हम फिर बसेंगे, फिर रहने के लिए जाएंगे। देश भर में आजकल जो है एक भीड़ चाल चल पड़ी है फ्री कश्मीर फ्री कश्मीर, तो क्या लगता है आपको कि फ्री कश्मीर क्या है, और आपका जो कश्मीर था यहाँ से आप उजड़ के आए हो, यहाँ पे पिछले 30 सालों से रह रहे हो, वो सही कह रहे हैं या आप सही? सर हम सही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फ्री कश्मीर फ्रॉम इस्लामिक टेरर। एक मेजर पॉइंट जो था जिससे कश्मीरी पंडित बाहर निकला अपने घरों से, वो क्या था? इस्लामिक टेरर। आज 19 जनवरी 2020 को 30 साल हो जाएंगे कश्मीरी पंडित को अपने घर से बाहर निकले हुए। जो कश्मीर में जो पत्थरबाजी करते हैं उन्हें कहा जाता है वो अनएम्प्लॉयड यूथ है। हमारे पापा जो यहाँ रहते हैं सबके, जो हमारे ओवरेज यूथ हैं, वो भी तो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, क्या वो भी पत्थर उठाएं? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीरी पंडित की हर सांस में भारत माता की जय का नारा लगता है। इसलिए सिर्फ आज हम अपने पोस्टर इसलिए लाए हैं ताकि हम अपना मैसेज कन्वे कर सके और गवर्नमेंट तक पहुंच सके, क्योंकि 30 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। इस टाइम में कुछ डेवलपमेंट हमें दिखनी चाहिए थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फ्री कश्मीर का जो देश भर में नारा लग रहा है, स्टूडेंट्स का नारा लग रहा है, वो क्या लगता है कि आपको कि वो जो है वो क्या है, वो नारा जो है वो आपके लिए लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं वो फ्री कश्मीर वाला? सर फ्री कश्मीर का नारा जो है ये गलत चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, सही चीज़। आज हमने उस फ्री कश्मीर को एक अच्छा यूज़ किया, फ्री कश्मीर फ्रॉम इस्लामिक टेरर। तो यही इसलिए हम बताना चाहते हैं कि हमारा मेजर जो रीज़न था जिससे हम बाहर हुए वो क्या था? इस्लामिक टेरर। अब कुछ इससे क्या करते हैं, इस नारे को अपनी पॉलिटिक्स में डाल देते हैं। आजकल आप देखते हो हर डिबेट में इस पे चर्चा हो रही है, दो दो घंटे तीन तीन घंटे बात होती है, लेकिन वो गलत है। फ्री कश्मीर का क्या मतलब है? हमने हम इसको डेफिनेशन दी थी, फ्री कश्मीर फ्रॉम इस्लामिक टेरर। का हाल जाने क्योंकि 30 साल से पंडित जो हैं इन्हीं कैंपों में जो है रह रहे हैं, जम्मू के माइग्रेंट्स कैंप जो हैं डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए जो बनाए गए थे, और ये जो डेलीगेशन जो है ये 15 देशों के जो डेलीगेशन हैं यहाँ पे जो आए हैं, और अभी यहाँ पे जो है जैसे वो उतर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है मिलिटेंसी प्रभावित जो लोग हैं उनसे जो यहाँ पे आके ये मिलेंगे और उनकी बात जानेंगे, उनसे मिलेंगे, बात क्या है उनके क्या दुख हैं, क्या दर्द हैं, और मिलिटेंसी को लेके उनके क्या विचार हैं। ये जो डेलीगेशंस हैं, ये एनवायस जो हैं यहाँ पे जो है मिलने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं अपने 2 दिन के दौरे पे, जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पे, आज इनका दूसरा दौरा हो रही है, आखिरी मीटिंग है, और इसके बाद जो है ये अपने अपने एनवायस में चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इनका जो है यहाँ पे जो है इस्तकबाल जो है कितना ट्रेडिशनल तरीके से जो है कश्मीरी तरीके से इनका यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है, और यहाँ पे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोगों से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि उनको एक उम्मीद बंधी है कि जो है कश्मीर जो है इन लोगों को जो हम अपनी बात सुनाएंगे, अपने दुख दर्द सुनाएंगे, तो फ्री कश्मीर फ्रॉम इस्लामिक टेररिज्म जो है वो उनका जो नारा है यहाँ से, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स का है उनका वो नारा जो है, वो नारा लेके वो यहाँ से जो है उनका सुन के वो जाएंगे और अपने अपने देशों के जो सरकारें हैं उनको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से एक कम्युनिटी को, जो हिंदू कम्युनिटी को वहाँ से निकाल दिया गया मिलिटेंसी की आड़ लेके, और उसको सब करते हुए किया गया। देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेडिशनल यहाँ पे उनका जो है यहाँ पे इस्तकबाल हुआ। ये 15 देशों का जो ये डेलीगेशन है यहाँ पे जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स की पूरी बातें यहाँ पे सुनेगा, क्योंकि सुबह से वो तैयारी कर रहे थे बताने के लिए कि यहाँ पे क्या कुछ उनके साथ 30 साल उनको होने लगे हैं, अपना घर छोड़े हुए, और किस तरीके से उनको किन मुश्किलों के साथ उनको यहाँ पे सामना करना पड़ा है। ये सारी चीज़ें जो हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो हैं यहाँ पे इन एनवाय के जो लोग हैं सदस्य जो हैं राजनयिक जो हैं उनको जो है बताएंगे। पर्सन अजय जाडू के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। और पीडीपी में उठ रहे सियासी तूफान को थामने के लिए पीडीपी ने गुज़श्ता दिनों LG मुर्मू और जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए सफीरों से मिलने पीडीपी लीडरान को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। ये सभी लीडर खुलकर 370 के खात्मे की हिमायत कर रहे हैं, और LG मुर्मू और सफीरों के सामने भी यही रुख दोहराया था। जिन लीडरान को बर्खास्त किया गया उनमें दिलावर मीर,
रफ़ी अहमद मीर, राजा मंजूर, जावेद बेग, अब्दुल मजीद पढ़र, रफ़ी अहमद मीर, अब्दुल रहीम राठड़, नूर मोहम्मद शेख, साबिक एमएलसी जफर मनहास शामिल थे। वहीं आज बड़गाम के मुंतजर मोहिद्दीन यावर मीर शौकत गयूर ने पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि शाह मोहम्मद तांत्रे भी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। पुंछ में बिना उकसावे के पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की जानिब से की गई इस फायरिंग में फौज के दो पोर्टर शहीद हो गए जबकि उनके तीन साथी शदीद तौर पर जख्मी हैं। गोलीबारी के बीच फौज के जवानों ने पोर्टरों का रेस्क्यू किया और उनका फर्स्ट एड भी किया। आज पाकिस्तान की तरफ से हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में फिर से सीज फायर वायलेशन किया गया। इसमें हमारे जो पांच आर्मी के पोर्टर जो कि आर्मी के साथ पोर्टर वर्क कर रहे थे, पांच हमारे बाशिंदे जो है वो घायल हुए, उसमें से दो को अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा चुका है। और कंटिन्यूस फायरिंग की वजह से जो हमारे अभी तीन अफराद जो हमारे तीन पोर्टर अभी भी जख्मी हैं, उनका इवैक्यूएशन अभी तक नहीं हो पाया है। जेएनयू में हुए तशद्दुद पर मुंबई और डीयू में हुए मुजाहरे के दौरान कश्मीर फ्री के पोस्टर लहराने और नारेबाजी करने के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट और शिवसेना बाल ठाकरे के बैनर तले जमकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मुजाहरे में आम लोग भी शामिल थे। इस दौरान लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। पूरे भारत वर्ष के अंदर फ्री कश्मीर के विषय के अंदर बात करने का प्रयास हो रहा है, हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ खड़े हैं। कश्मीर फ्री हो चुका है, 370 से फ्री हो चुका है, उग्रवादियों से फ्री हो चुका है, कुंभाप्रस्ती से फ्री हो चुका है, अलगवादियों से फ्री हो चुका है, महिलाओं को आज़ादी मिल गई है इसलिए फ्री हो चुका है, और पाकिस्तानी सोच से फ्री हो चुका है। इसलिए मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूं, जो लोग मुंबई के अंदर कश्मीरी फ्री के नाम के नारे लगा रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं इंटरनेट फ्री होना चाहिए, अरे मेरे देश के सैनिक मर जाएंगे अगर इंटरनेट फ्री होगा। पाकिस्तान चाल चलने का प्रयास करना चाहता है, इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं दे रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की जनता उस इंटरनेट को अभी फ्री करने का प्रयास नहीं करना चाहती है तो मुंबई वालों को क्या तकलीफ है, जेएनयू वालों को क्या तकलीफ है, डीयू वालों को क्या तकलीफ है, तकलीफ जम्मू कश्मीर की जनता को होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता, मेरा एक सैनिक शहीद ना हो, लोग शहीद ना हो जाएं, इसको लेकर के हमको अभी फ्री कश्मीर के विषय के अंदर कहने वाले व्यक्तियों के मुंह पर चांटा लगाने का प्रयास करना चाहता हूं। और डीयू और जामिया मिलिया से कहना चाहता हूं, उनकी यार्ड के अंदर कुछ सियासतदान अपनी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा। हमें फ्री कश्मीर है, अब किसने क्या करना है, मोदी जी ने कश्मीर को फ्री कर दिया है। सांबा पुलिस ने साबिक दहशतगर्द परवेज अहमद को एक बार फिर से हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। परवेज कश्मीर के डाउनटाउन की ईदगाह का रहने वाला है जो कि 90 की दहाई में अल इनकलाब का खूंखार दहशतगर्द था और उसने कई लोगों को मौत के घाट भी उतारा है। इसके बाद उसने 1998 में सिक्योरिटी फोर्सेस को सरेंडर कर दिया, जिसके बाद सरेंडर पॉलिसी के तहत उसे सरकारी नौकरी भी मिली है और पिछले काफी दिनों से परवेज नौकरी से गैर हाजिर चल रहा है, जिसकी खबर एजेंसियों ने सिक्योरिटी दस्तों को दी और उसके बाद परवेज को सांबा में सपोर्ट किया गया। सांबा में देखे जाने के बाद पुलिस ने एहतियातन परवेज को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ भी की जा रही है। अब यहां पे कैसे आ गया? यहां से पुलिस और फॉरेस्ट थी, फिर पुलिस ने बंद कर दिया लॉकअप के अंदर। तो यहां भी हैं बंदे आपके? कोई कौन कौन से बंदे हैं आपके मिलिटेंट को यहाँ पे? नहीं, यहाँ मिलिटेंट नहीं, यहाँ कहाँ है, जम्मू में हुए थे पहले, हो सकता है आज भी हो, लेकिन मुझे जानते हुए मैं जानता हूँ ये इस वक्त मैं नहीं बता सकता। आपके नेटवर्क में है कोई और? ये इस वक्त होंगे, बहुत से हैं, पथराव मारते हैं वगैरह, ताले होती है वगैरह वगैरह सब कुछ है। पाँच साल थे, चार साल थे यहाँ से। तो मारा है कोई बंदा बुंदा यहाँ से? हाँ, मरे हैं, उधर से मरे हैं। अच्छा, मरे हैं। तो क्यों छोड़ दिया फिर उसके बाद? फिर मेरे हालात ऐसे हैं। अच्छा, तो अभी दोबारा मन कर रहा है क्या जाने का वहाँ? करता है लेकिन कर नहीं पाएगा। अच्छा, कर नहीं पाएगा, अगर ताकत होगी तो करेगा। आप नहीं, एज भी काफी हो गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। गुज़श्ता दिनों बारिश के सबब गेहूं की फसल खराब हो गई थी, जिसके बाद किसानों को उम्मीद थी कि मौसम खुशगवार होने पर वो फिर से गेहूं की फसल
लगा सकेंगे, लेकिन एक बार फिर बारिश ने किसानों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। इस पर आरएसपुरा के किसानों ने कहा कि इस बार खराब मौसम की वजह से किसानों को बेहद नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं आ जा रहा है और ना ही उन्हें अभी तक खराब फसल का कोई मुआवजा मिला है। उन्होंने किसानों की मदद करने और मुआवजा देने की मांग की है। इस मौके पर किसानों ने कहा है कि महकमा ज़राअत की तरफ से कहा जाता है कि किसानों को बीज मुहैया करवाए जा रहे हैं, लेकिन कई किसानों को वक्त पर बीज दस्तियाब नहीं हो पा रहे हैं। जिमीदार बहुत परेशान है क्योंकि ये फसल जड़ा बासपति का ये सारा मारिया गया, अगों जी कणक है वह भी नहीं रढ़ रही, क्यों कि जोड़ा फसल है जी दो बोरिया कनाल मुंजी होंगी सी ना वह 50 किलो भी नहीं निकली, क्योंकि बारिशों ने मुंजी तबाह ही करती है, परालियां नहीं बचिया तो मुंजी कितों बच जानी सी। बासपति सब बिल्कुल तबाह है और जिमीदार बहुत ही परेशान है। जिमीदार बेचारे इस मौके की करन, जिन्हों का आन डिपेंड ही जिमीदारी से है, वह बेचारा कुछ नहीं अपने डंगर वास्ते पट्ठे नहीं लै सकता पाया कर सकता पाया। मैं सरकार अगे बेनती करना कि जिहड़ा लोक जिहड़ा जिमीदारां नूं मुआवजा दिता जाए। मुआवजे वास्ते सानूं किया ना कोई मतलब कि पूछताछ की है, तो असीं इहो चाहुंदे आ कि साडियां दो फसलां जिहड़ियां बर्बाद होईयां ने इन्हां फसलां दा मुआवजा गौरमेंट दे, ताकि किसानां नूं थोड़ा थोड़ी किसी किस्म की हैल्प मिले, सपोर्ट मिले।